दानदाता आगे नहीं आ रहा है। क्या यही हमारे गांव की नेक मर्यादा है? क्या यही मेरे ग्राम की सम्मान है? हम तो जहां कहीं जाते हैं तो कहते हैं मेरे गांव बहुत मेरा अच्छा है, मुझे बहुत सम्मान देते हैं सभी लोग। कहते हैं निर्मल आपके गांव की भावना ही अलग है, आपका प्रोग्राम तो होता है। अपने गांव में प्रोग्राम नहीं कर पाता है, लेकिन आपको गांव में क्यों प्रोग्राम मिल जाता है? मैंने कहा भैया मेरा गांव बहुत प्यारा है, बहुत मुझे सम्मान देता है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है और दान देने में पीछे नहीं हटता है। लेकिन मैं आज देख रहा हूं पांचवा दिन है मां भगवती का, आज समय ये हुई सोना गुजर जाएगा और सोना गुजर जाएगा तो बड़ी दूर दूर से चल के आए हैं भैया लोग, इनके लिए इनके भी बच्चे हैं और ये भैया आए हुए हैं, इनका सारा कुछ लाइट सिस्टम लगा हुआ है तो इनको कैसे खुश किया जाएगा? तो हम आपसे ही खुश हो सकते हैं, इसीलिए सभी से निवेदन है कि
दान अधिक से अधिक करें, जिससे हम आपके बीच में उपस्थित बड़ी दूर दूर से आए हुए इनका सम्मान हो, और सम्मान के साथ में विदाई होगी तो अगले वर्ष यानी फिर कभी मौका मिलेगा तो हंसी खुशी से आकर के अपना डेरा जमाएंगे, और अगर इनको सम्मान नहीं मिली, खुशी नहीं मिली, तो डेरा जमाने की बात अलग की बात है। जहाँ कहीं जाएंगे कहेंगे निर्मल के गांव में गया था, वहाँ जो है ऐसी स्थिति हुई कि भैया मुझे मायूस होकर लौटना पड़ा। तो इसीलिए निवेदन करता हूँ सभी लोग दान देने की एक हकदार बने, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। यहाँ किसी प्रकार की कोई एक गर्व की बात नहीं है, ये तो हम आपकी भगवती मैया की कृपा है, उन्हीं की महिमा है। वो चाहे किसी भी वक्त तार सकते हैं और वो चाहे किसी भी वक्त बोर सकते हैं, हम आप कुछ भी नहीं करने वाले। जैसे मैंने कहा था कि किसी को बुखार आ जाए और डॉक्टर कह देगा ये लो टेबलेट 1000 रुपए की मिलेगी, तो फटाक से अकाउंट में चले जाओगे, बैंक में चले जाओगे, 1000 रुपए की तो टेबलेट लाओगे। लेकिन अगर धर्म के नाम में खर्च करना हो तो पॉकेट निकालेंगे और उसमें से देखेंगे 1 रुपया का कौन सा सिक्का है जो दे दिया जाए माँ भगवती के पंडाल में। अरे भाइयों, जिस तरह से अगर कथा प्रांगण में या कहीं भी भाव और महिमा में अगर दान करते हो, तो मैं सच्चा वादा कर रहा हूँ कभी रोग तुम्हारे आस पास नहीं आ सकता। भागवत महिमा को अपना करके देखो, एक बार भगवान से प्रेम करके देखो। अगर प्रेम नहीं करोगे तो जैसे वो स्टील की आती है, उथला बोला जाता है, उसमें गेहूं बड़े हिसाब से ताए जाते हैं, दवा भी रखी जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे 10% चाहिए। जितना तू अन्न कमा रहा है 10% चाहिए, अगर नहीं देता है तो 25% ले लूंगा, ये दावा है, और अगर ज्यादा होशियार बनता है तो 50% ले लूंगा। होशियार में डालते हैं, पही खा जाती है, घुन लग जाते हैं। भगवान की देन है, इसीलिए हम सबसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, सभी का सम्मान करते हुए आगे को कदम बढ़ावें और ज्यादा से ज्यादा दान देने की कोशिश करें। बोलो भगवती मैया की। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कथा प्रांगण में उपस्थित होकर के पावन झांकियों का दृश्य करेंगे, उसके बाद बड़ी प्यारी सी भगवान जी की बाल लीलाओं का हम प्रसंगों की ओर चलेंगे। देखेंगे कि जैसे हमारा बच्चा जब गोदी में खेलता है और धीरे धीरे घुटनों चलने लगता है तो नाना प्रकार की शरारतें करता है, कहीं मैया का स्तन काट लेता है, वो शिष्य तो एक थप्पड़ मारती है मैया, लेकिन बालक गुस्सा हो जाता है, कुछ देर स्तनपान नहीं करता है, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद में फिर माँ उसको ले लेती है तो फिर वो स्तनपान करने लगता है। इसी तरह से श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है। विद्वानों ने कहा है साक्षात प्राण है दशम स्कंद, इसमें प्रवेश करके देखो आनंद की शराब और छटा में भीग ना जाना तो कहना क्या हुआ है। श्री सुखदेव जी आज बोलते हैं अब पावन कथा सुनाए, माता जी इन्होंने 51 मुद्राओं का दान माँ भगवती के चरणों में किया,
सदे सुख शांति मिले। और ये प्यारी प्यारी बहनाओं ने 11-11 मुद्राओं का दान माँ भगवती की चरणों में करती है, सदे सुख शांति मिले बहना को। Yeah.